आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। सीएम ने पुराने शहर के जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर जाकर तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाकर जनता से अभियान में भाग लेने की भी अपील की। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, जुमेराती पोस्ट ऑफिस पहुंचे सीएम, ध्वजारोहण कर गाया वंदे मातरम, अभियान से जुड़ने का लिया संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अब आम जनमानस भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आ रहा है। भारत के आजाद होने के बाद भी भोपाल के जुमेराती स्थित पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया गया था, जिसके बाद भोपाल विलीनीकरण आंदोलन की शुरुआत इसी पोस्ट ऑफिस से हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को जुमेराती स्थित पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, विलीनीकरण के आंदोलन के संघर्ष का पोस्ट ऑफिस प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को भोपाल आजाद नहीं हुआ था, इसके लिए लोगों ने विलीनीकरण आंदोलन किया था। इस आंदोलन के नायक रामचरण राय और अक्षय कुमार थे, फिर यहां तिरंगा फहराया गया था। सीएम शिवराज ने जनता से भी अपील की कि हर भारतवासी को तिरंगा फहराना चाहिए और कहा कि आज से तिरंगा फहराने की शुरुआत हो गई है। आज ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर ध्वजारोहण, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल के नवाब ने अपनी रियासत का भारत में विलय करने से इनकार किया था और इसलिए यहाँ विलीनीकरण आंदोलन चला था और उस विलीनीकरण आंदोलन के अंतर्गत ही अक्षय कुमार जी ने, राय जी ने इस पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराया था। इस दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज यहीं से प्रारंभ की है। तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज के जुमेराती पोस्ट ऑफिस पहुंचने के दौरान महिलाएं तिरंगा साड़ी में नजर आई और सभी ने मिलकर राष्ट्रीय पर्व मनाने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।